स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो इससे रिलेटिव रहेगी कि एक आईटीआई स्टूडेंट आईटीआई कंप्लीट होने के बाद क्या करे, यानी कि जब भी आईटीआई स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में जब रहता है, लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जब देने वाला होता है, तो वो यही सोचता है कि मैं आईटीआई के कम्प्लीट होने के बाद क्या करूँगा, आगे क्या करूँगा, यही वो सोचता है फ्रेंड्स। तो इससे रिलेटिव वीडियो रहेगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी एक आईटीआई स्टूडेंट की आईटीआई कंप्लीट होती है तो उसके सम्मुख यही क्वेश्चन खड़ा होता है कि अब वो क्या करे, यानी कि प्राइवेट जॉब करे या फिर गवर्नमेंट जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे। तो जब भी ये क्वेश्चन खड़ा होता है फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ये है कि अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है तो आप सबसे पहले अप्रेंटिसशिप करें, यानी कि अप्रेंटिसशिप मतलब 1 ईयर की ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग मतलब अभी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट आई रखी है फ्रेंड्स कि आप अब यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, तो 1 ईयर की। तो आप फ्रेंड्स अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो आपकी दो चीज़ों की नॉलेज बहुत अच्छी हो जाती है, एक तो प्रैक्टिकली नॉलेज और एक थ्योरेटिकली नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि आपके 80% चांसेस बन जाती है कि आप किसी भी गवर्नमेंट संस्था में कभी भी वैकेंसी निकलती है आपके ट्रेड वाइज, तो आप जॉब निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 80% चांस आपके आराम से बन जाते हैं उसमें। तो आप फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।